ओडिशा के बालासोर में एक भयावह रेल हादसा हुआ जिसमें 280 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई और 900 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए। घटना को 4 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है और सभी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर क्या था जिसकी वजह से ये रेल हादसा हुआ, क्या ये कोई तकनीकी खामी थी या किसी ने जानबूझकर किया। मौजूदा समय में क्या कुछ वो परिस्थितियाँ हैं जिनकी वजह से ये रेल हादसा हो सकता है, ये एक तस्वीर है जो कहीं ना कहीं घटनास्थल से आपको रूबरू कराएगी। दो ये ट्रैक हैं हमारे पास, कहा जा रहा है कोरमंडल एक्सप्रेस इधर से आ रही थी, अप डायरेक्शन की जो ट्रैक है उधर कोरमंडल एक्सप्रेस थी, जबकि दूसरी तरफ यशवंतपुर ट्रेन थी जो आनी थी। पॉइंट नंबर 17, यहाँ पर पहुँचने पर कोरमंडल एक्सप्रेस को ग्रीन सिग्नल दिया जाता है अप लाइन के लिए और कोरमंडल एक्सप्रेस अप लाइन पर न जाकर लूप लाइन पर चली जाती है। ये कहीं ना कहीं जो कहें कि इनिशियल जानकारी है, शुरुआती जानकारी है, उसके बिना पर कहा जा रहा है। हालांकि रेलवे ने क्लेरिफाई किया है कि इस बात का उनके पास मौजूदा समय में कोई साक्ष्य नहीं है कि ट्रेन इस लाइन पर गई या नहीं, और ये जांच का विषय है। लेकिन अगर कहें कि इस परिस्थिति को माने तो इसके बिना पर कुल 3 ऐसी स्थितियाँ हैं जो कहें कि इस पूरे कहें कि घटना की जिम्मेदार हो सकती हैं। पहली थ्योरी है शॉर्टकट तरीका। कहा जा रहा है कि जिस तरफ से ये ट्रेन आ रही थी वहाँ एक LC गेट है जहाँ पर बूम रिप्लेसमेंट का काम चल रहा था और इसकी की वजह से ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं जो SNT डिपार्टमेंट के लोग हैं या कोई अन्य व्यक्ति भी है उससे गलती से कुछ ऐसा हो गया जो शायद नहीं होना चाहिए था। शॉर्टकट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भी किसी ऑपरेशनल लाइन पर कोई भी काम किया जाता है तो उसके लिए तमाम तरीके के मानक हैं, उनका पालन किया जाता है और तमाम तरीके के जो दिशा निर्देश मैनुअल में हैं उनका पालन किया जाता है। लेकिन मौजूदा समय में शायद इसमें उन नियमों का पालन नहीं हुआ और किसी शॉर्टकट तरीके को अपनाने के चक्कर में इतना बड़ा रेल हादसा हो गया। इस हादसे की दूसरी संभावित परिस्थिति है सिग्नलिंग सिस्टम से छेड़छाड़। कहा यह जा रहा है कि ऐसा मुमकिन है कि किसी व्यक्ति ने, किसी बाहरी व्यक्ति ने या किसी रेल के ही व्यक्ति ने सिग्नलिंग सिस्टम से जानबूझकर छेड़छाड़ करी जिसके बाद ये घटना हो गई। हालांकि इस बात की किसी ने अभी तक पुष्टि नहीं की है कि सिग्नलिंग में वाकई कोई छेड़छाड़ की गई थी, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि ये घटना सिग्नलिंग इंटरफेरेंस की वजह से ही हुई है, ये घटना इंटरलॉकिंग में किसी समस्या के चलते ही हुई है। ट्रेन कहें कि अप लाइन पर जो ट्रेन थी वो पॉइंट नंबर 17 पर आती है, सिग्नल अप लाइन के लिए दिया जाता है लेकिन जो पॉइंट है वो लूप लाइन के लिए सेट था, ऐसा कहा जा रहा है। मौजूदा समय में CBI और CRS दोनों की ओर से इस मामले की जांच शुरू हो गई है, लेकिन जो दूसरी थ्योरी है वो कहीं ना कहीं हमें सिग्नलिंग से छेड़छाड़ की ओर इशारा करती है और ये कहीं ना कहीं एक परिस्थिति हो सकती है जिसके चलते ये घटना हुई। तीसरी थ्योरी है टेक्निकल फ्लॉ, यानी कि सिस्टम में कोई फ्लॉ। सिग्नलिंग सिस्टम फेल्ड प्रूफ सिस्टम है और रेल अधिकारी इस पूरे सिस्टम पर बहुत ज़्यादा आश्रित हैं। हालांकि जब रेल अधिकारियों से बात की गई कि क्या इसको टेम्पर किया जा सकता है तो उन्होंने दबी जबान में कहा कि किया जा सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम इसलिए भी हैं क्योंकि इसके लिए कई तरह के लॉजिक काम करते हैं। रेल अधिकारियों का मानना है कि जब तक वो लॉजिक फुलफिल नहीं होते हैं या कहें कि वो तमाम शर्तें जो ग्रीन सिग्नल या रेड सिग्नल देने के लिए ज़रूरी हैं उनका पालन नहीं होता है तब तक ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जा सकता, या कहें कि सिस्टम आपको ग्रीन सिग्नल के लिए अलाउ नहीं करता। हालांकि अब मौजूदा परिस्थिति में ग्रीन सिग्नल न सिर्फ दिया गया बल्कि पॉइंट दूसरे डायरेक्शन में सेट था, इसलिए कहा जा रहा है कि बहुत हद तक संभावना है कि सिस्टम में कोई कहें कि फ्लॉ था, टेक्निकल कारण था, तकनीकी कोई खामी थी जिसकी वजह से ये हुआ। इसी कहें कि थ्योरी में ये बात सामने आ रही है कि फरवरी महीने में साउथ वेस्टर्न रेलवे ने इसी तरह के एक कहें कि मुद्दे को आधार बनाकर एक लेटर वहां लिखा गया था जिसमें कहा गया था कि ऐसी ही एक घटना बचा ली गई क्योंकि लोको पायलट ने सही समय पर ब्रेक लगा लिए। फरवरी महीने में ये घटना कहें कि साउथ वेस्टर्न रेलवे में हुई थी जिसमें लोको पायलट को किसी और ट्रैक का सिग्नल दिया गया था लेकिन ट्रेन किसी और ट्रैक पर चली गई, आखिरी मौके पर लोको पायलट ने ब्रेक लगाए और ट्रेन को रोका जा सका। ये 3 थ्योरी हैं मौजूदा समय में जिन पर कहें कि अभी पूरी जांच जो है वो कहें कि आश्रित होगी और
अब बहुत जल्दी हमें इस पूरी जांच का निष्कर्ष पता चलेगा, लेकिन मौजूदा समय में ये तीन थ्योरी हैं जिन पर रेल अधिकारी भी कुछ बोलने से बच रहे हैं। साथ ही कहें कि जो लोग हैं वो भी अलग अलग तरीके की कहानियां बता रहे हैं। CRS इंक्वायरी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका कहें कि कुछ दिनों में नतीजा आएगा। साथ ही CBI अब इस मामले की जाँच में जुट गई है और बहुत जल्दी हमें इस मामले का कहें कि मामले की सच्चाई पता चलेगी।